भविष्य में क्या होने वाला है। मनुष्य ने अपना दिमाग अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, युद्ध के बेहतर साधन, बेहतर संचार, दूसरे इंसान को मारने के बेहतर साधन और इसी रास्ते की तरफ रुख किया है। उसकी चेतना अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। मनुष्य ने टेक्नोलॉजी की दिशा में अपनी ऊर्जा दी है। हमारे दिमाग तकनीकी रूप से गैजेट्स के रूप में विकसित होते जा रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि यह अब बदला नहीं जा सकता और मनुष्य ने बहुत कम समय ऊर्जा, विचार और किसी और दिशा में दिया है। वह यह नहीं कहता है कि मैं अपने लिए पता लगाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं इस तरह का व्यवहार क्यों करता हूँ, इन सब से परे क्या है। हमने अपने भीतर देखने के लिए वह समान ऊर्जा या समय या जीवन शक्ति नहीं दी है जो हम हैं। क्या कुछ भी सत्य है? सभी दुखों से परे क्या बिना कारण के कोई अस्तित्व है, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा है? टेक्नोलॉजी से, सभी मानव विचारों से, आदमी अकेले टेक्नोलॉजी और उसके प्रोडक्ट पर नहीं रह सकता है। एक ऐसी चीज में जाना है जो अंतहीन हो। कृपया इस सब की वास्तविकता को देखें। मान लीजिए आप अपने अंदर देखने के लिए अपना समय, ऊर्जा और क्षमता देते हैं, ना कि आप किसी धारणा पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आप गहराई से देख रहे हैं। जांच विश्लेषण से अलग है। इसलिए जब एक इंसान ऐसा करता है तो आप मानव चेतना को एक निश्चित गुण से जोड़ सकते हैं, और अगर 1000 लोग इससे संबंधित हैं जो किसी तरह के समूह का निर्माण नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन वास्तव में इस पर अपना पूरा जीवन दे रहे हैं, तो आप मानवीय चेतना को सभी शब्दों से परे किसी चीज की गुणवत्ता से जोड़ रहे हैं, सभी विचारों से परे, सभी निष्कर्षों से परे कि कुछ इस दुनिया में शाश्वत है।